घर में शांति क्यों नहीं है? बोले वहां तुम सुनाते रहते हो। ऑफिस में शांति क्यों नहीं है? बॉस सर्वेंट को, सर्वेंट बॉस को सुनाता ही रहता है कुछ ना कुछ, ये ला ये कर वो कर वो कर वो कर, ये नहीं किया तूने, तू बहुत ऐसा है, तू सुनाता रहेगा, शांति नहीं रहेगी, उसे नफरत भी हो जाती है। इस कथा पंडाल में इसलिए शांति है मेरे भाई बहन, क्योंकि यहां पर हम और आप सब सुनने आते हैं। हाँ, उनको भी शांति नसीब नहीं होती जो आते तो सुनने, पर फिर भी कुछ ना कुछ बीच में एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा काम करते हैं उन्हें शांति नहीं मिलती यहां पर भी पहुंचने के बाद। एक्स्ट्रा काम मोबाइल पे बात करना, एक्स्ट्रा काम अपने पड़ोसी से बात करना, एक्स्ट्रा काम मन किया तब उठे, मन किया तब आए, मन किया जाए, ये एक्स्ट्रा वर्किंग है आपकी, तो इससे तुम्हारी शांति भंग होती है। अगर कोई दिल से वाकई कोई चाहता है कि हमें शांति मिले तो उतना बोलो जितना व्यास पीट गए, उतना करो जितना कहा जाए, और फिर देखो 7 दिन के बाद तुम्हें लगेगा यार बहुत बड़ा चेंज हो गया है तो लाइफ में। यू मस्ट अंडरस्टैंड माई डियर, जब तक आप लोग मेडिसिन नहीं लेते आपका रोग समाप्त नहीं होता। जिस दिन आप मेडिसिन लेते हैं आपका रोग समाप्त हो जाता है, वैसे ही भोग विलासों का जो रोग हमें लगा हुआ है, जब तक आप भागवत रूपी मेडिसिन अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते, निरोग नहीं रह सकते। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। ये भागवत सिर्फ इंटरनली तुम्हें स्ट्रांग नहीं करती, तुम्हें वैसे भी फिट, अभी इतने लोग यहां नृत्य करते हैं इनका फिट बढ़ेगा, इनकी हार्टबीट बढ़ेगी, इनका शुगर बढ़ेगा। अब कोई पहले से ही बढ़वा के आया है तो मैं क्या करूं? जीवन पर्यंत अगर तुम लोग कथा सुनते रहो, भगवान के भजनों पर ऐसे नृत्य करते रहो, ठाकुर जी के लिए आंसू बहाते रहो, ठाकुर को भोग लगाकर खाते रहो, है मजाले शुगर तुम्हारे पास में भी आके भटक जाए। तू वो खा जो ठाकुर, पहले अपने खाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगा दे और फिर देखता हूं कैसे शुगर होती है तुझे। होटल में जाके खा खा के आ जाता है, फिर ठाकुर जी से कहता है शुगर बढ़ गई। भगवान बोले बढ़ेगा नहीं, अकेले अकेले खा के आ गया, बेशरम दिया मैंने खा के खुद आ गया, शुगर ही होगी और क्या होगा। वो खा जो मुझे खिला सके, फिर देख कैसे शुगर होती है, होगी नहीं ना शुगर, हो ना कैंसर हो ना कुछ और हो। लेकिन मेरे भाई बहन समस्या आती है कि हम ठाकुर जी से चोरी करते हैं। तो ये जो भागवत है आपको स्वस्थ भी रखेगी, निरोग भी रखेगी। कब? जब आप इसको एकदम जैसे कहा जाए वैसे ही सुनो। 3 घंटे ही तो चाहिए तुम्हारी लाइफ के, ज्यादा थोड़ी चाहिए। पहले तो सुबह से शाम तक कथा ही होती रहती, सुबह 4 घंटा सुबह और 5.5-6 घंटा शाम को, और आजकल कलयुग के लोगों को देखते हुए तो एक ही टाइम कर दी, वो भी 3 घंटे, 6 घंटे नहीं 3 घंटे, क्योंकि पता है कलयुग के लोग हैं ज्यादा टाइम। और अभी तो मेरे को एक जन बोले महाराज जी पूरी भागवत एक दिन में नहीं हो सकती, कसम से। क्या बोले मेरे को? ये पूरी भागवत जो 7 दिन में होती है एक दिन में नहीं हो सकती। नौ महीने मां के घर में रहना कितना मुश्किल है ना, पहले दिन हम पैदा नहीं हो सकते, कम से कम नरक में तो ना रहना पड़े। लेकिन फिर भी कलयुग के लोगों के लिए बहुत सुविधा कर दी है। सुखदेव जी महाराज ने तो 7 दिन लगातार कथा सुनाई थी, और तुम्हें 7 दिन नहीं सुननी है, बस 7 दिन में 3-3 घंटे सुननी है। कितनी? जोर से बोलो। लेकिन है तुम्हारे पास 3 घंटे? नहीं है। मैं कई लोगों को देखता हूं, कई लोग तो बेचारे पता है आधी कथा निकल जाती है तब आते हैं, और कई लोग आधी कथा रह जाती है तो निकल जाते हैं, और कई लोग तो सिर्फ संडे के दिन आए, है ना। कहां है किस्मत?
हाँ, मिलता उन्हीं को है जो बहुत रसिक हैं, जो प्रिय हैं, ठाकुर जी के जो प्यारे हैं, उनसे भागवत कभी छूटती नहीं है, वो तो कैच करते हैं। और जिन्होंने की है मेरा ठाकुर जी, उनके साथ में इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइए कल का क्रम याद रखें, कल का प्रसंग याद करें। कल का प्रसंग क्या था? कल 7:30 बजे तक क्या कर रहे थे? नंद के आनंद भय, अब फिर शुरू मत हो जाना। हाँ। नंद के आनंद भयो, कल कितना बड़ा आनंद आया, क्या झूम रहे थे पीछे तक, जहां तक नजरें जा रही थी लोग बस झूमते चले जा रहे थे। मेरे भाई बहन, अपने बच्चों के बर्थडे में नाचना बहुत आसान है, लेकिन ठाकुर के बर्थडे में नाचना ये किस्मत वालों के हाथ की बात है। हम उन बच्चों के उत्सव मनाते हैं, अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, शादी में नाचते हैं, जिनका भरोसा नहीं कब तक चलेगी। हमें कोई भरोसा नहीं है कि मैरिज हमारी कब तक रहेगी, और रहेगी कि हम कब तक रहेंगे इस बात की भी गारंटी नहीं। इन सब में हम लोग बहुत मस्ती से अपना पता नहीं पार्टी सार्टी करके खा पी के पड़े रहते हैं, लाखों करोड़ों रुपए हम लोग खर्च कर देते हैं इसी पे, अपनी शादी की या मैरिज में, मैरिज एनिवर्सरी में या बर्थडे में। अगर हम लोग 10 लाख रुपए खर्च करते हैं 2-4 उत्सवों में, उन्हीं 10 लाख रुपए को अगर हम बचा के ऐसे ठाकुर जी के उत्सव करवा लिया करें, तो न जाने कितनों की किस्मत सुधर जाए। ये लोग तो सुधरेगा ही, परलोक अपने आप सुधर जाए। मैं आपसे एक बात पूछूं, जवाब देना। अगर आपसे कोई पड़ोसी गाड़ी मांग के ले जाए और कहे कि मैं अभी आता हूं, 10 किलोमीटर जाना है, आप कृपा करके उसे गाड़ी दे दें और वो जाके उस गाड़ी को बड़े रफ तरीके से चलाए और एक्सीडेंट करके हाईवे पे ठोक कर चलाए, फिर अगली बार कोई गाड़ी मांगने वो आए, जवाब दीजिए। हैं? गाड़ी का नुकसान तो हल्का सा है, बीमा वाले भर देंगे, फिर भी तू देगा नहीं, क्यों? बड़ा बाबरा आदमी यार, हमने तो अपना समझ के दे दिया, इसने गाड़ी अपनी समझ के नहीं चलाई। हाँ या ना? हाँ, मेरे ठाकुर जी ने तुझे जीवन अपना समझ के दिया था, और संसार रूपी हाईवे पे जब तू चढ़ा तो तूने इस ड्राइविंग को बहुत ही रफ तरीके से किया, और न सिर्फ रफ किया, न जाने कितने एक्सीडेंट किए जो गिने नहीं जा सकते, इतने एक्सीडेंट तूने कर दिए। अब बता, मेरे ठाकुर जी तुझे दोबारा देना पसंद करेगा? गाड़ी का नुकसान भरा जा सकता है, लेकिन जिंदगी का नुकसान कभी भरा नहीं जा सकता मेरे भाई बहन, कभी नहीं। अगर चाहते हो कि नुकसान बड़ा ना हो, तो यकीन मानो मेरे प्यारे, दुनिया के खर्चों में से बचाकर अपने ठाकुर पर खर्चा करो, गरीबों की मदद में खर्चा करो, लोगों की सहायता में खर्चा करो, दीनहीनों की मदद करने में सहायता करो। अपने ऊपर जितना खर्च करते हो उसे 20% सिर्फ 100 में से 20% ऐसी जगह पर लगा कर देखो, अगर तुम्हारा लोक और परलोक न सुधर जाए तो मुझसे कहना मेरे भाई बहन।